4 नवंबर 2022 से चालू हो गया है, देवोत्थान एकादशी से चालू हो गया है और ये प्रभु राम जी का जो मंदिर पुनर्निर्माण हो रहा है वो निर्विघ्न रूप में निर्माण हो इसके लिए ये यज्ञ चल रहा है। अखंडित रूप में 14 महीना आज कंप्लीट हो रहे हैं और महाराष्ट्र के हर जिले से 5 पंडित आते हैं, उसमें 2 वैदिक रहते हैं, 3 याज्ञिक रहते हैं और ये यहाँ अनुष्ठान करते हैं। चारों वेदों का अनुष्ठान निरंतर चालू है और ये प्रभु राम जी का नियोजित मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा होने तक यानी जनवरी एंड तक ये अनुष्ठान चलते रहेगा। हमारी संस्था पंडितों के उत्थान के लिए काम करती है और हमारे पंडितों के मन में, हमारे मन में जब 5 अगस्त 2020 को प्रभु राम जी का प्राण प्रतिष्ठा अपने पंतप्रधान नरेंद्र भाई मोदी जी के हाथों हुआ तो उस दिन हमारे मन में एक प्रेरणा आई कि हम भी महाराष्ट्र से आके अयोध्या में प्रभु राम के मंदिर के लिए कुछ न कुछ करें। दान दक्षिणा तो हर व्यक्ति भारत का भारत निवासी दे रहा है लेकिन यज्ञ और ये अनुष्ठान हम महाराष्ट्र से करें। मैं बहुत सौभाग्यशाली समझता हूँ क्योंकि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास अयोध्या ने हमें अधिकृत अनुमति दी है, ये वास्तु भी उनकी ही है और यह निरंतर अनुष्ठान चल रहा है।